से चकरा दे लाओ, वहाँ कर दिया। पूर्व विधायक व गरीबों के दिल पर राज करने वाले राजकुमार ने अपने बेटे को आरक्षित सीट पर चुनाव मैदान में उतारा है। निखिल कुमार ने कांग्रेस पार्टी से अपना नामांकन का पर्चा भरा। निखिल ने बताया कि उसे राजनीति की बारीक सीख अपने विधायक पिता राजकुमार से मिली है। आपको बता दें कि पूर्व में विधायक राजकुमार ने राजनीति की पहली सीढ़ी पार्षद से चलकर विधायक तक का सफर तय किया था। अब निखिल भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर राजनीति के अंतिम छोर तक पहुँचना चाहते हैं। आलम यह है कि निखिल को जीत दर्ज करने के लिए अपने पिता पूर्व विधायक का नाम ही काफी है, जिसे कोई चाहकर भी मात नहीं दे सकता। पहली बार चुनाव में अपना भाग्य आजमाने वाले युवा नेता ने अभी से अपने पिताश्री के बताए व दिखाए हुए रास्ते पर चलने का मन बना लिया है, जिसे देखकर यह महसूस हो रहा है कि इस युवा नेता ने मानो राजनीति में ही अपना भविष्य देख लिया हो। सर, जैसे काम होते हुए आ रहे हैं, मतलब जैसे मुझे पार्टी ने टिकट दिया है, मुझे कार्य दिया है, तो वैसे सारे कार्य पूरे जैसे कार्य जो जिस हिसाब से पहले कार्य होते हुए आए हैं वैसे कार्य चलते रहेंगे। पहले यहाँ के पापा MLA रह चुके हैं, राजकुमार जी का बेटा हूँ सर मैं, और पहले चाचा पार्षद भी रह चुके हैं यहाँ के, तो वो जिस हिसाब से उस वार्ड में काम हुए हैं बिल्कुल वैसे काम होते रहेंगे। और सारे प्रत्याशियों सारे लोगों के हित में मैं ही खड़ा रहूँगा, चाहे रात के 3 बजे चाहे 2 बजे, वो जिस समय ही फ़ोन करेंगे मैं उसी टाइम वहाँ पे पहुँच के तुरंत उनके पिताजी का हवाला दिया। पता ही से ऐसी चीज़ है, राजनीति ऐसे विरासत में नहीं मिलती किसी को। उन्होंने पिताजी ने आपके अपने खुद छवि बनाई और आज वहाँ तक पहुँचे मिले, तो क्या लगता है आप छवि पिताजी के नाम से बनाना खुद की बनाएंगे? सर, मैं आपको खुद के नाम से बनाना चाहूँगा, पर अगर पिताजी के मैं 1% भी हो जाऊँगा तो मेरी अच्छी छवि हो जाएगी सर। देहरादून से श्रमिक मंच के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट।